अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल एस क्यू फूड ब्लॉग्स। सो आज की जो हमारी रेसिपी प्रॉन्स पुलाव, नॉर्मली इसको झींगा पुलाव कहा जाता है यहाँ पर, इसके लिए हमने 300 ग्राम झींगा लिया है जिसको हमने अच्छी तरह से क्लीन करके वॉश करके रखा है। इसको थोड़ा सा नमक डाल के क्लीन किया करें ताकि इसमें से स्मेल निकल जाए। और यहाँ पर हमने 4 मीडियम साइज़ की ऑनियंस को कट करके रखा है, 3 मीडियम साइज़ के टमाटोज हैं इनको कट कर लिया है अच्छी तरह से, हरा धनिया, पुदीना, कोथमीर, 4 हरी मिर्ची ली है, आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। और गरम मसालों में हमने लिया है तेज़पत्ता 1 फूल, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी। तो सबसे पहले हम ये जो प्रॉन्स है इसको थोड़ा सा मसाले डालकर आधे घंटे के लिए या 15 मिनट के लिए नॉर्मली रख देंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे, 1/2 टेबलस्पून हमने हल्दी लेनी है और 1/2 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्च। इसको अच्छी तरह से हाथ से ही आप मिक्स कर लें क्योंकि ये बहुत डेलिकेट से होते हैं, जल्दी टूट जाते हैं, तो बिल्कुल सॉफ्टली इसको हैंडल करें। इस तरह से हम लगा के रख देंगे तो क्या होगा, पुलाव में जब आपके मुंह में झींगा आएगा तो वो ऐसे सादा सादा फ्लेवर नहीं देगा, थोड़ा उसके अंदर भी स्पाइसेस होंगे तो वो अच्छा लगेगा। जीरा ऐड करना है, कड़ी पत्ता डाल देंगे और हमारे ये सारे गरम मसाले। हम 6 से 7 टेबल स्पून ऑयल लेंगे क्योंकि पुलाव के लिए हमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा लगता है। और इसे हम हमारे जो ऑनियन है वो ऐड कर देंगे, ऑनियन और ग्रीन चिली साथ में डाल देंगे। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। ये अदरक लहसुन का पेस्ट मेरा होममेड ही होता है क्योंकि बाहर ये अदरक लहसुन के पेस्ट से इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। और ना 1/2 धनिया पाउडर, 1/2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबलस्पून हमने इसमें हल्दी ऐड कर दी है। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और ऑनियन को थोड़ा हमें अच्छा रेड होने देना है। हाफ टेबल स्पून मैंने कूटा हुआ गरम मसाला लिया है, आप चाहे तो ज़्यादा भी ले सकते हैं क्योंकि इससे थोड़ा तीखापन आ जाता है, तो नॉर्मली बच्चे जो है ना वो नहीं खा पाते हैं, फिर इसलिए मैंने थोड़ा कम लिया है। आप क्वांटिटी हर चीज़ की ज़्यादा रख सकते हैं अगर आप चाहें तो, चिलीज़ वगैरह। अब इसमें मैं आपको आलू बताना भूल गई थी, इसमें मैं थोड़े आलू ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है क्योंकि नॉर्मली ये नहीं यूज़ करते हैं, बट बच्चे होते हैं तो बच्चों को पुलाव में या बिरयानी में जो है ना वो मोस्टली आलू ही चाहिए होता सबसे पहले, इसलिए ये मैंने ऐड किया है आलू। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप डालें नहीं डालें। यहाँ पर हम टमाटर भी ऐड कर देंगे हमारे,
थोड़ा सा कोथमीर इस पॉइंट पर डाल दें, पुदीना डाल दें हम, इसको अच्छी तरह से आप 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दें। फिर हम इसके बाद में इसमें हमारे प्रॉन्स ऐड करेंगे। थोड़ा ये पक जाए आपस में, इसमें थोड़ी सी हींग ऐड कीजिएगा ज़रूर, बिल्कुल थोड़ी सी। अब इसमें हम हमारे प्रॉन्स ऐड कर देंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से इनको हानि कीजिएगा क्योंकि ये बहुत जल्दी टूट जाते हैं। थोड़ा सा इनको पकने देंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये ज़्यादा पकेंगे ना तो हार्ड हो जाते हैं। थोड़ा सा 2 मिनट के इनको पकने के लिए छोड़ देते हैं। अभी आप देख सकते हैं इसका ऑयल बिल्कुल अलग हो गया है, तो अब हम इसके अंदर राइस ऐड कर देंगे। देखिए मैंने इतने मेरे हिसाब से ये 2 ग्लास जितने राइस है, मैंने 2 ग्लास राइस डाले हैं। आप अपने हिसाब से राइस ऐड कीजिएगा, क्योंकि झींगे इतने हैं तो क्या है, फिर राइस भी उस हिसाब से लेना चाहिए, वरना फिर पता नहीं चलता है झींगा है कि नहीं है राइस के अंदर। इसमें हम 1 ग्लास पानी और 1/2 ग्लास और ऐड करेंगे। ये मैंने बिरयानी के राइस लिए बासमती, अब इसको हम इसके अंदर पहले नमक ऐड कर देंगे अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, क्योंकि मैंने ग्रेवी में नहीं ऐड किया था, मैं अभी एक साथ ही ऐड कर दूंगी, क्योंकि मैंने झींगे में भी थोड़ा, अगर आपको याद है, मैंने झींगे में भी थोड़ा सा नमक उसके अंदर लगाया था उनको। इनको हम पकने के लिए रख देते हैं। इसमें थोड़ा सा नींबू के कतरे ऐड कर देंगे, जिससे ये जो राइस होते हैं ना पुलाव के या बिरयानी के, ये खिले खिले से बनते हैं, इसलिए हमेशा आप याद रखिएगा, अगर आप ये ऐड करेंगे ना तो आपको अलग ही एक डिफरेंस पता चलेगा, इस तरह से खिले खिले राइस हो जाते हैं। अब हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही इनका पानी सूख जाएगा हम दम पे रख देंगे। देख सकते हैं आप थोड़ा पानी कम हो गया है। इस पॉइंट पे अगर आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर नमक बराबर है या नहीं। अगर कुछ कम है तो आप इसमें इस पॉइंट पर ऐड कर सकते हैं। मैंने चेक कर लिया है, मेरा नमक बराबर है। आप इस पॉइंट पे ज़रूर चेक कीजिएगा, वरना कभी कभी कम हो जाता है तो फिर पुलाव में टेस्ट नहीं आता बराबर से। अभी आप देख सकते हैं इसका पानी ऑलमोस्ट सूख गया है। अभी हम इसको लीड लगा के रख देंगे। आप 7 मिनट के लिए इसको पकने देंगे, फ्लेम भी बिल्कुल धीमी कर देंगे ताकि जितना जो कनी रह गई है राइस की वो पूरी पक जाए। चेक कर लेते हैं अभी, तो ये रेडी हो गया है हमारा पुलाव। हम इसको थोड़ा हरे धनिया के साथ में गार्निश कर लेते हैं। अब हम इसको फटाफट से सर्व कर देते हैं। स्मेल तो काफ़ी यमी आ रही है, सर्व कर देते हैं। प्रॉन्स पुलाव इज़ रेडी नाउ। आप देख सकते हैं मैंने इसको सैलड के साथ में सर्व किया है, जिसके अंदर ऑनियन, टमाटोज, कोरिएंडर, ग्रीन चिलीज है, और इसको मैंने चाट मसाला ऐड किया है और थोड़ा सा नींबू ऐड किया है। तो आप इसको इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं, खा सकते हैं, या फिर नॉर्मल आपको सैलड खाना है या ऑनियंस खाना है, तो जैसे आप खाना चाहें। हमारा ये प्रॉन्स पुलाव बहुत यमी लग रहा है, तो आप भी इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। और हाँ, वन मोर थिंग, इस पुलाव के लिए आप ज़रूर, प्रॉन्स पुलाव के लिए आप जितना हो सके बड़े झींगे लें, क्योंकि बड़े झींगे ज़्यादा अच्छे लगते हैं।